आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से इस संसार में आए हैं, यह सबका किसी का आपने निदान लगाया है पृथ्वी के अंदर में भूगर्भ में। आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहाँ से आई इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझ लेने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति के ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे, और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज लक्षित होती है, अब वो है आपकी बेवकूफियां, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतनी बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि गर इसकी जगह एक गर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे, ये कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए, उसी अहंकार में पड़े हुए, और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी दे सकते। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है, वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वरण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया, कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया, और उसको दुख देने वाले मनुष्य रहे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूं, सत्युग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधुओं को आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया, अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए, और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है, यह आपको समझ लेना चाहिए, और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं मानना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूँ तो उसको मानना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए अगर वो अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे मानना चाहिए। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म हो गया, मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ? कहले वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहले वो कहते हैं मैं ईसा मसीह हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कोई गधा भी कह सकता? किसी के कहने से थोड़ी था कि मैं ईसा मसीह हूँ तो ईसा मसीह हो जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को कहो, उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोके, अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह, अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं।
तो उन्होंने कहा वो तो ये भी कुछ भी नहीं करते हैं। बाद में पता हुआ कि वो काफी रुपया रुपया ले करके लोगों का भाग गए। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राखहु तैसे ही रहो। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं। कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारा ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूँ। शादी में भी वो गए थे, शादी में गए वहाँ जाकर सब व्यवस्था करी। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया। अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ लिया कि वो तो भाई शराब के शराब बना। वाइन का मतलब अभी भी इसराइल में अगर आप जाएँ या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं होता। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब करना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती हैं इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व के थे। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहाँ पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं, और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है, इसलिए हमेशा हरेक गुरु ने, फिर वो नानक हो चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सोक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाही की। क्योंकि उनका तत्व यह है जिसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य यह है कि आपको धर्म स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाही की। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना, वो कार्य उन्होंने किया। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्त्रार में तोड़ना। पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है, मुझे हरेक के बारे में कहना पड़ता है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है, और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में, और शिवादि वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं सबके बारे में कहना। क्योंकि आज समग्रता का समय है और इसलिए समग्रता की बात होगी। इस पर भी आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग कम से कम शहरों में, गांव में ऐसी बात नहीं, शहरों में इसी तरह से धीरे धीरे फैलता है। क्योंकि सत्य को पाना और सत्य को लेना मनुष्य के बस का नहीं, ये आपने इतिहास से देख लिया। और आज भी मनुष्य बदलने क्यों वाला है, आज भी उसी दशा में, सिर्फ फर्क इतना ही है कि आज जो मनुष्य इतना अस्त व्यस्त अन्न मनस्क है उतना कभी भी नहीं था। और इसीलिए कहा गया कि कलयुग में ही यह कार्य होने वाला है। नल दमयंती आख्यान में वर्णन है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा था और कली ने कहा कि भाई तू मुझे अगर मार डालना चाहे तो मार डाल, लेकिन तू मेरी महिमा पहले सुन ले, मेरा एक महात्म्य है उसे तू सुन ले। तो उसने कहा तेरा क्या महात्म्य है कली? तो कली ने कहा मेरा ये महात्म्य है कि आज जो गिरिकंदरों में बड़े बड़े साधु संन्यासी आदि लोग मुझे परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं, वो कलयुग में ही इसे पाएंगे और बहुत बड़े तादाद में इसे पाएंगे, और इसका सारा जो कुछ भी न्याय है, जजमेंट है, वो कलयुग में होगा। सहज योग यही लास्ट जजमेंट है, जिसको कि बाइबल में कहते हैं कि द लास्ट जजमेंट ऑफ द ट्रुथ। सहज योग में आने के बाद में ही आपका न्याय होता है कि आप ट्रुथ पे खड़े हैं या नहीं, लेकिन उस पर स्थिर होना चाहिए। अगर आदमी उस पर स्थिर नहीं हुआ तो फिर डिग जाएगा, क्योंकि ये सत्य पाने पर भी उस पर टिकना मनुष्य के लिए कठिन होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ हम कब स्थिर हो गए, कब हमें मानना चाहिए कि हम स्थिर हो गए। ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे कि एक पानी में से निकल के आप नाव में चले गए। अच्छा, अब आप कब स्थिर हुए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो। आप अगर साइकिल चला रहे हैं शुरू शुरू में तो आप डगडगा रहे हैं, आप कब स्थिर हो गए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो गए। ये तो आप ही को अपना न्याय करने का है कि आप स्थिर हो गए या नहीं हो गए। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब निर्विकल्पता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जिस वक्त हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे आती है तब तक हम निर्विचारिता में नहीं आ सकते। जो पहला समाधि का स्थान है निर्विचारिता, वो स्थापित नहीं होता। जैसे ही कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र को लांग जाती है, यानी ईसा मसीह ने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जहाँ कि ईसा मसीह का ही नाम लेने से, उन्हीं की लॉर्ड्स प्रेयर कहने से ही ये आज्ञा चक्र खुलता है, और वो खुलने के बाद हम निर्विचारिता के क्षेत्र में, माने डेस्टिनेशन इसे कहना चाहिए, कि परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, जो कि लिम्बिक एरिया हमारे ब्रेन में है। उसमें यह सातों चक्र और भी जो उपचक्र हैं सारे विराजमान हैं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके
सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।